साहिबगंज जिले के 42वें पुलिस अधीक्षक के रूप में बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अमन कुमार ने निवर्तमान पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन से प्रभार लिया। मौके पर पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने प्रभार लेने के बाद कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ पुलिस एवं पब्लिक के बीच दोस्ताना संबंध बनाना एवं महिला व बच्चों के प्रति अपराध में कमी लाना उनकी प्रमुख प्राथमिकता होगी। आगे उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने प्रभार लिया है, सभी चीजों का आंकलन करने के बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और शांति व्यवस्था के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे उसे उठाए जाएंगे। न्यूज लेंस के लिए साहिबगंज से शुभेंदु पंडित की रिपोर्ट। क्या प्राथमिकताएं होगी सर? और जो भी अपराध के मामले हैं एक बार जिला मैंने ज्वाइन किया है, एक बार देखूंगा कि क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे ज़्यादातर हो रही हैं और उसके अनुसार रणनीति डिसाइड करके उसको टैकल करने का प्रयास किया जाएगा। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है